सो गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम करेंगे केमिस्ट्री ऑफ 10th क्लास, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो 9th में हमने बेसिक पढ़ा था केमिस्ट्री का, जहां पर हमने एटम्स के बारे में जाना, उसके सिंबल्स के बारे में जाना। आज हम करने वाले हैं एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो उससे केमिकल रिएक्शन क्रिएट होती है, उस केमिकल रिएक्शन को पेपर पे लिखने की ट्रिक को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है हमारी डेली लाइफ में हम रोज ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि जो हमारा एलपीजी सिलेंडर है उसमें जो गैस बर्न होती है, एंड बर्निंग ऑफ दैट गैस इज केमिकल रिएक्शन। आप एक पेपर को बर्न करते हो, पेपर की बर्निंग भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। आप एक वुड को बर्न करते हो, वुड की बर्निंग भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो मेनी मोर रिएक्शंस आर देयर। तो क्या है केमिकल रिएक्शन, कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट होगा हमारे पास, रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को पेपर पे लिखना होगा अगर हमें, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं और केमिकल रिएक्शन से हम प्रिपेयर करते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा इक्वेशन के बारे में, यूज ऑफ सिंबल्स टू गिव्स ए मैथमेटिकल फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर हम सिंबल्स का यूज करेंगे और उन सिंबल्स के थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे। तो सिंबल्स का यूज करके केमिकल रिएक्शन को शो करना कहलाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कहा गया कि कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल सी। अब कार्बन होता है हमारा सॉलिड स्टेट में, तो कार्बन सॉलिड हो गया, ये कार्बन का सिंबल है और ये उस कार्बन की स्टेट है। स्टेट हमारे पास बेसिकली तीन तरह की होती है जो हम पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो S स्टैंड्स फॉर सॉलिड। कार्बन बर्न हुआ ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, ये सिंबल हुआ ऑक्सीजन का और ये हुई उसकी स्टेट। तो ऑक्सीजन हमारे पास गैस है, तो कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या होगा हमारे पास, गैस होगा। तो ये सिंबल है कार्बन डाइऑक्साइड का और ये उसकी स्टेट। तो को कितने तरह की स्टेट हम सिंबल्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अगर मेरे पास कोई स्टेट सॉलिड हो तो उसके लिए हम एस वर्ड यूज करते हैं। अगर मेरे पास लिक्विड स्टेट होगी तो लिक्विड स्टेट के लिए हम एल यूज करेंगे। अगर मेरे पास गैसियस स्टेट होगी तो उसके लिए हम जी यूज करेंगे। और अगर कोई मेरे पास बना हुआ है सॉल्यूशन, और अगर वो सॉल्यूशन बना हुआ है वॉटर में, उसके लिए हम यूज करेंगे AQ। और यहां पे AQ का मतलब है एक्वस। ठीक है, तो ये चार तरह की स्टेट्स हम यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहां पे शो करना चाहता हूं किसी और केमिकल रिएक्शन को, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्वड इन वॉटर। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट का सिंबल होता है NaCl और NaCl हमारे पास सॉलिड है, उसको डिसॉल्व किया है वॉटर के अंदर, तो वॉटर का सिंबल होता है H2O जो कि लिक्विड हो। तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो व्हेन यू डिसॉल्व ए सॉलिड इन लिक्विड यू फॉर्म ए सॉल्यूशन। अब क्योंकि मेरे पास सॉल्वेंट वॉटर है तो हमारे पास बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, सो आई विल गेट NaCl एक्वस। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, दिस वॉज द केमिकल रिएक्शन और उस रिएक्शन को हमने लिख दिया सिंबल्स के फॉर्म में, तो इसे मैं कहूंगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसे मैं कहता हूं रिएक्टेंट, और जो ये पार्ट है इसे मैं कहता हूं प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं एरो। एरो में जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं हेड,
और इसे हम कहते हैं टेल। तो टेल की साइड पे डिपेंड होगा और हेड की साइड पर प्रोडक्ट होगा, इसे कहते हैं वन साइडेड एरो कि सिर्फ डिपेंड से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमें इस तरह का एरो लिखा मिलता है तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट भी मिलेगा और प्रोडक्ट से मुझे रिएक्टेंट भी मिलेगा, तो दोनों ही एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहेंगे, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एरो। और ध्यान दें ये हाफ है ये फुल है, तो कुछ हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलेगा और कुछ हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक हुआ। ओके, अब कुछ और सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं, वो सिंबल्स हमारे बेसिक हैं। अगर कभी हमें लिखा मिलता है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, ठीक है। अगर हमें लिखा मिलता है एच न्यू, इसका मतलब होता है लाइट एनर्जी, ठीक है। अगर हमें लिखा मिलता है यहां पे मान लीजिए एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज इवोल्व, किसी सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है। अगर हमें लिखा मिलता है एंडोथर्मिक, तो इसका मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए। ओके, इसे नोट कर लेंगे, फिर हम देखते हैं एक नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन, कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई तो हमें पता कैसे लगेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ ऑब्जर्वेशन, और वो कौन कौन सी होगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि किसी रिएक्शन में गैस इवोल्व होना ये ऑब्जर्व करता है, इंडिकेट करता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास प्रेजेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर। साथ में मेरे पास प्रेजेंट है मान लीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी एक्वस है, तो दोनों डिसॉल्व किए गए वाटर में। एंड व्हेन द केमिकल रिएक्शन अकर्स मुझे मिलता है NaCl जो एक्वस होगा, मुझे मिलेगा वाटर जो लिक्विड होगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे मिलेगी CO2 गैस, तो यहां से गैस इवोल्व होगी। सो दिस इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। इस रिएक्शन में गैस का इवोल्व होना ये ऑब्जर्व करता है, इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है। और CO2 गैस इवोल्व विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है सोडियम जो कि सॉलिड होगा, सोडियम को मैंने ऐड कर दिया वाटर में जो कि लिक्विड है, व्हेन सोडियम इज एडेड टू वाटर आई विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस होगा, साथ में इवोल्व होगी H2 गैस। और अगर मैं इस रिएक्शन के होने के बाद टेस्ट ट्यूब के ऊपर फ्लेम शो करता हूं तो H2 गैस इवोल्व होती है विद पॉप साउंड। मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है मान लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर रखा हुआ है, तो ये वाटर होगा, इसमें मैंने ऊपर से ऐड कर दिया सोडियम का एक स्मॉल पीस, तो जैसे ही वो पीस इसमें जाएगा रिएक्शन होगी और गैस बाहर निकलना स्टार्ट होगी। अब अगर मैं इस गैस के ऊपर फ्लेम शो करता हूं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न होगी, और बर्न होने के समय जो साउंड आएगी वो पॉप साउंड आएगी। जैसे आप किसी पैकेट ऑफ पेपर को फुलाते हो, उसको बर्स्ट करते हो तो पॉप साउंड आती है, वैसे ही पॉप साउंड यहां पर आएगा।
तो ये है हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं बाकी कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे चेंज इन कलर। तो किसी रिएक्शन में अगर कलर का चेंज आता है तो वो इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एसिड है, एसिड में मैंने ऐड कर दिया ब्लू लिटमस, तो ये चेंज हो जाएगा रेड लिटमस में। तो ये कलर का चेंज इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। सिमिलरली मेरे पास मान लीजिए जिंक है, जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड को मैंने ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, इसका कलर होता है ब्लू। तो क्या है कि मेरे पास प्रेजेंट है एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट एक्वस, इसका कलर जो है वो ब्लू है, इसमें मैंने ऐड कर दिया जिंक का छोटा सा पीस। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, और केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे वो ये होंगे जिंक सल्फेट एंड कॉपर। इसका कलर जो है वो होता है कलरलेस या फिर थोड़ा बहुत वाइट। तो ये जो ब्लू कलर है ये ब्लू कलर चेंज हो जाएगा व्हाइट कलर में। सो नाउ देयर इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर ऑल्सो टेल्स अबाउट द केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। अब देखते हैं थर्ड वाली कौन सी होगी। सो थर्ड हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो किसी केमिकल रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व हो सकती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेरे पास कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो मुझे मिलती है CO2 गैस। और जब कभी भी बर्निंग होती है तो बर्निंग के दौरान हीट रिलीज होती है, तो हीट का रिलीज होना ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। सिमिलरली यू कैन हैव वन मोर रिएक्शन H2 गैस प्लस O2 गैस, उससे बन हमारे को मिलेगा H2O गैस, और इसमें भी हमारे पास हीट का रिलीजन होगा। तो जिस रिएक्शन में हमारे पास हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास एक और टाइप की रिएक्शन होती है इसको फोर्थ नंबर करेंगे, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। कि हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन भी है जो हीट को एब्जॉर्ब करके भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं, इससे हम हीट करेंगे। ट्रायंगल का सिंबल का मतलब था हीट, इसे हीट करेंगे और मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। यहां पर भी हमारे पास गैस का एवोल्यूशन होगा, ऑल्सो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये दोनों चीजें इंडिकेट करती है कि केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, जब दो स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन होकर बिग पार्टिकल बनाते हैं और इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली बात है हाई होगी, तो ये सेटल डाउन हो जाए, इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। ऐसे जो रेन होती है तो रेन को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वॉटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स सभी कंबाइन हो जाती है एंड दे मेक ए लार्ज ड्रॉप। अब क्योंकि लार्ज ड्रॉप हैवी होती है तो वो फॉल डाउन हो जाती है, तो रेन की फॉर्म में नीचे गिरती है, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। केमिकल रिएक्शन की टर्म्स में हमारे पास दो एक्वस सॉल्यूशन होंगे। एक्वस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो उसे कहते हैं एक्वस। सो दो एक्वस सॉल्यूशन मिलके बनाएंगे सॉलिड सब्सटेंस, तो इस सॉलिड सब्सटेंस को मैं कहता हूं प्रेसिपिटेट, और जो केमिकल रिएक्शन यहां पे होती है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देख लेते हैं क्या होंगे इसके। तो वी विल हैव टू एक्वस सॉल्यूशन, रिमेंबर दैट। फर्स्ट मेरे पास है सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन,
सेकंड मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, इसे कहेंगे सोडियम क्लोराइड, इसे कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट, दोनों एक्वस है एज यू कैन सी हियर। सो एक्वस सॉल्यूशन कंबाइन होकर बनाएंगे सॉलिड प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको पीपीटी भी कह सकता हूं। साथ मुझे मिलेगा सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास एक और रिएक्शन होती है, दैट इज वी हैव बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। उसमें हम ऐड करते हैं सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, दोनों एक्वस है। एंड व्हेन दे कंबाइन आई विल गेट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, इसको मैं शॉर्ट में पीपीटी भी कह सकता हूं। और मुझे मिलता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस वाज द लास्ट ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन। सो बाय दिस फाइव ऑब्जर्वेशन वी कैन टेल वेदर द रिएक्शन हैज अकर्ड और नॉट। इतना ही करेंगे आज हम, बाकी हम कल करते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।